السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله. Muhterem Bülbül Ağır Cemil Hazirin Sami'in Aziz Havadi Yahan ki intikami zarurat ke tahit Eşar ke baad honne wali majlis aaj عارضی طور پر مغرب کی بات ہو رہی ہے. آئین اللہ سے چل کر جو معمول بعد عشاء والی ترتیب برقرار رہے گی. اس وقت آخر میں بچوں کے قرآن مجید کی ختم کے سلسلے میں کچھ آیتوں کی تلاوت ہو جائے گی. جو بچے اور جو بچیاں پڑھ کر فارغ ہو رہی ہیں اور حفظ کی تکمیل کر رہی ہیں، جس مناسبت والے شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں، اس کے اقوامی حصے کے اعتبار سے دعا کریں. اور ضروری تبدیلی یہ بھی ہوگی کہ آج ذکر کا حلقہ آج نہیں ہوگا، آئندہ انشاءاللہ تمام چیزوں کی تلافی کر لی جائے گی. اس وقت ہم نے آپ کی خدمت میں ایک آیت مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اشارات پیش کیے. آپ جانتے ہیں ہماری تعلیمات میں جہاں اللہ کی قائم مقام اور اللہ کی پہچان ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم مقام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے بھی ہمارے پاس تفصیلات ہیں. البتہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے بہتر ترتیب ہوتی ہے، اس میں سے ایک سادہ ترتیب یہ ہے کہ نام اور کام سمجھنے سے کسی شخصیت کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اور وہ معاملہ ایسا نازک ہے کہ چاہے وہ بات مثبت پہلو کی ہو، چاہے وہ بات منفی پہلو کی ہو، یعنی چاہے وہ اچھے اعتبارات ہوں چاہے وہ برے اعتبارات ہوں. جیسے جلدی سمجھ میں آنے کے لیے ہم آپ سرل کریں، جو اتنا شخص چور ہے، بولتے ہی اس کے کام کی مناسبت آپ پر کھل جاتی ہے،
party led. Normally, they come after the enemy Bhujan Rasa, after the enemy Chakrata. That is Lukera, that is Kaun Samadhi on the left side. Zali Mazali, Kaun Samadhi on the left side. Bhakwasi hai Bhakwasi, and he Kaun Samadhi on the left side. Jis tarike se manfi pairai mein Kaun Samadhi on the left side. उसी तरह मुस्बत पैराए में भी काम के समझने की शिकायत है. जैसे आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर बोलते ही कोई काम समझ में आता है. हाफिज मुअल्लिम बोलते ही काम समझ में आता है. मुतअल्लिम बोलते काम समझ में आता है. स्टूडेंट बोलते काम समझ में आता है. सदर मुदर्रिस नाज़िम आला काम समझ में आता है. वज़ीर आज़म सदर जमहूरिया है ना. रुकन पार्लियामेंट नाम बोलते काम समझ में आता है. जो वापिस चार्ज हो गए वो आसानी से समझ जाएगा. तो जिस तरह नाम जानते ही नाम सामने आते ही काम कहकर उस चीज का मुकाम और मरतबा समझ में आता है, इसी तरह लाते नाम सामने आने पर मायना सामने आने पर अल्लाह का इंसान खुलकर होगा. और जिस तरह ये बात है उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जानने से ही मायना जानने से मुरादें जानने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसान और आपकी पहचान आसान से आसान हो जाती है. ये अलग बात है कि हम कमोहक को नहीं समझ सके हैं और ये अलग बात है कि वो सुकून रुतबों को नहीं छू सके हैं. ये अलग बात है कि उस मियार पर हम नहीं परख सके हैं. लेकिन काम की शक्ल सामने आना क्यों हो जाए. जो आयत मुबारका जो हदीसे हमने आपकी हिम्मत में पढ़ी है उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ नाम और कुछ सिफात का जिक्र है. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही दोनों में से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना दावत इब्राहिम दावत बोले तो दुआ हमारे आने जमाना में नहीं आता हो. ऐसे आज शर्मा ऐसा से दावत आप लोगों की अल्लाह मुबारक करे लेकिन दुआ का मजमू है. अना दावत इब्राहिम व बशारत ईसा मैं इब्राहिम की दुआ कौन फरमाते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इब्राहिम की दुआ इसको बोलते हैं साबित रात मसलूबुल वजूद बोलते हैं. हमारे पास जब करंट खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं साबित रात मसलूबुल वजूद. अब जो दिन इस पर बरकरार रखो वही कोशिश करो बैटरी वैटरी लगा लो. ये है तो नस्बत बरकरार वो नहीं है तो नस्बत मुनकत है. उसी बस इतना ही है समझना. जाहिर नस्बतों को हुक्मी नस्बतों में ले आ रहा है उनके बाप होते हैं उस पर लगा देते चीजों से हक की तरफ चल रहे. इसी चीज से सबक लेना है. मुझे आदमी क्या समझ नहीं आता है अल्लाह के नाथ और गैबुल गैब और द्वारा मकरूर मकरूर है गुतू
इतनी बात नहीं समझ में बड़े से बड़े पैगंबरों ने ये रब्बन से कर लिया बात से मांगा तो फिर मैं और आप किससे मांगे वो कोई जो दो राय पड़ गए मेरे प्यारे बोले सलाम वीर नहीं के मांगे है ना ऐसे ही हजरत यूनुस अलैहि सलाम भी अल्लाह ही से उन्होंने मांगा है लायदा इल्लाह का सुभान के इन कुल रहे अल्लाह ने सामंत ऐसा मामूला इजाजत ही मेरे से हो गए मामू के अतीजे आप इजाजत ही हो गई उम्र से आप माफ करते हैं मेरे पास ये इस हकीकत के साथ अगर हम उस दुआ को पढ़े तो बरकत मिलती है नहीं तो बरकत नहीं मिलती हमें तो क्या होंगे सलवा लाख का दर्शन भी था हमारे साथ एक पाई का फायदा हो तो बोलो ऐसा तो नहीं होता उस दुआ की हकीकत से मुनासिबत पांच बजे की भी नहीं रही एतराफ है कसूर होने की मत तौबा करना नाम है कसूर हो गया तौबा हो गई तौबा नहीं करती तौबा नहीं करते खालिश तौबा नहीं करते नतीजा सिफर एतराफ का कसूर अगर कर रहे हैं मिसाल के तौर पर एक बच्चे बना था तो नालिम साहब के पास आ गया तो नालिम साहब ने कहा आइंदा से फिर नहीं करना होगा क्या अच्छा अच्छा बोला फिर करा अब जूते खाता नहीं करा अच्छा नहीं करता बोला फिर किया अच्छा नहीं करता फिर किया अच्छा नहीं करता बोला फिर करा समझ रहे हैं बंदा मुसीबतों में मुसीबतें बढ़ते जा रही समझ में आया कहीं नहीं बढ़ रही न जुबान की तौबा दुरुस्त न आंखों की तौबा दुरुस्त न दिमाग की तौबा दुरुस्त न दिल की तौबा दुरुस्त न हाथों की तौबा दुरुस्त न नफ्स की तौबा दुरुस्त न दिल की तौबा दुरुस्त न रूह की तौबा दुरुस्त मतलब ये है कि उसके अंदर जो मानवियत है जो जो मजमून है जो मखलूम है उसके साथ गहरा उसमें रिश्ता वावस्ता करके उसकी जो मुराद है उसको फौरन कैच कर लेना और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करना इस्तग़फ़ार करना बोलो तौबा करके बोलना मौली साहब को छोड़ दिया ना होगी अब तो आप मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाइए मतलब अब तो सूरत के हाल है थोड़ी मुराद कि हम लोग एक गलती में नहीं बल्कि बेईमान गलती में है वो चला रहते हैं इसीलिए सही मानो इस्तग़फ़ार नहीं कर पाते तो जाहिर के साथ साथ बात होगी कुछ मना तो बच जाती है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है और खास तौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं इब्राहिम की दुआ पैगंबरों की जुबान से भी अल्लाह तआला का परवरदिगार हो नवा ले किया गया लिहाजा रब अल्लाह अलहम्दु लिल्लाह रब्बिल आलमीन आलम जिन लो आलम शैतान लो आलम जन्नत रहो आलम जहन्नम रहो आलम मलाइका रहो आलम औलिया रहो आलम जाहिर रहो आलम बातिन रहो आलम नूरी रहो आलम नारी रहो आलम उल्फ रहो या आलम सिफरी रब कौन अल्लाह अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुल शय अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुल शय हर चीज मेरा बल्ला है ये ताकत ये निस्बत इतनी ताकतवर होगी उस रब्बना का असर पड़ेगा जिस जिंदगा ने दुआ करना है सबके लिए करना है दूसरा जी भी करना है ये जमाई भी करना है और ये जमाई करने की इजाजत नहीं रहेगी तो जमा होता तो अगले में सेवा दे रहता रब्बना बोलते रहे तो मतलब ये कि जमाई दुआ हो सकती है अब तक तक ना कब नहीं करना वो है गुजरी मगर कर सकते हैं ये तो आप
इसमें से भेजता हूँ, इन लोगों में से भेजती हूँ। अरे बशरियत ही में से है सरकार, सरकार वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, सैयदुल बशर है, और साथ ही साथ बेशर है, वो भी रखते हैं ना जहनी में दर्द। ऐसा नहीं है सरकार में उलू में निकाल रहे, मगर बशरियत से इनकार नहीं, सैयदुल बशर उन्होंने से इनकार नहीं, न सिर्फ बशर है बल्कि सैयदुल बशर है, कामिलुल बशर है, अकमलुल बशर है, अजमलुल बशर है, अहसनुल बशर है, अफजलुल बशर है, जो नाम लिखे दे दो बस उन्हें वजूद में है ना। मिन हूं बल्कि ये बताए आलम इंसानी जी का एक फर्ज होगा, फरिश्तों में से नहीं है सरकार, क्यों इस वास्ते कि फरिश्तों में रहते थे लोग क्या बोलते थे, हमारे उनको नबी भी ना बच्चे ये करो वो करो बोले तो आज भी रहेगा, हमारे जैसे बीवी रहती बच्चे रहते जब मालूम होता था क्या करना क्या नहीं करना। आदमी जो है उज्जत टेकड़ी है ना, आप लोग बोलते हैं ना इसकी मिसाल में उज्जत है, उज्जत वाली क्या बोलता था परिश्रमण कर तुम्हारे को नबी भी ना बच्चे रहते तो मालूम होता नमाजा पढ़ो रोजे रखो जकात में डालो हज करो ये करो वो करो तबलीग करो दावत करो और भी मालूम करो नहीं अनुसर करो ये करो वो करो तो बीवी बच्चे रहते तो मालूम होता। उस उज्जत की तरवीर के लिए अल्लाह ने कहा कि नहीं उसी ही मिन हम ही होगा, उन्हीं में से उठा हुआ जो इंसानियत की तमाजरात को छू लेगा। और बेशक किसी किसी नबी मेरे लिए मुश्किल नहीं, इस वक्त को परवरदिगार ने आलम है, ऐसे सैकड़ों हजारों मैंने नबी और रसूल भेजे हैं, एक लाख से सवा लाख के आस पास अंबिया और रसूल भेजे गए हैं, मेरे लिए नबी बनाना और तो मैं ही भेजूंगा। तो सबसे पहले पैगम्बर अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहि सलाम को बनाया और आज ही पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। इतना तो मालूम हुआ कि जी एक हस्ती को भेजा गया बेशक भी मजबूर हुए, लेकिन कोई आया बाहर से या आप गए बाहर तो भाई ये पूछते नहीं पूछते, कोई बच्चा बाहर निकला तो किस काम के लिए निकले पूछते नहीं हम, या कोई अजनबी आदमी आपके इदारे में दाखिल हो गया तो आप यही पूछती कैसे आना हो सब आपको नहीं, आपका आप कहने का मंशा क्या है, आप क्यों आए नहीं पूछते पूछते। अभी इसी तरह जब इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए तो आलम शरीयत का जो तकाजा था और सुवाई उभरना चाहिए था वाजबी था कि आका आपको भेजा क्यों गया, मकसद क्या है, उसको क्या बोलते मकासिद बेशक, बेशक के मकासिद किस गरज से भेजा गया। अच्छा अब जब किसी भी चीज का कोई मकसद होता है तो फिर इतने बड़े इंसाने कामिल को भेजे जाने का मकसद तो यकीनी तौर पर मुतैयन होगा, मकसद मुतैयन है, सुई धागे का भी मकसद होता ही है, जमीन आसमान के भी मकासिद मुतैयन है, चांद सूरज सितारों के भी मकासिद मुतैयन है, मिट्टी के भी मकासिद है, पानी के भी मकासिद है, हवा के भी मकासिद है, हरारत के भी मकासिद है ना, हमारे और आपकी का भी मकसद है, हमारे और आपके इस दुनिया में भेज जाने का भी मकसद है। हर चीज का मकसद पूछने के बाद फलांसी आप किसी दोस्त से पूछो अरे मियां फलांसी क्या काम आ गई है, तो बोलता हूँ खुलिए दिल ये गिलास क्यों और तो पानी पीने शरबत पीने आयना क्यों आंखों को लगा